बट अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इंडिया में कहना कि क्रिकेट के लिए ऑब्सेशन है हमारे पास, इतना ऑब्सेशन है क्रिकेट के अंदर कि किसी भी लड़के को आप एक बार 5x4 की खाली जगह दे दो ऐसी, तो एक बार वो ये जरूर करता है। ये लॉन्डे रियल में भट्टा फेंकते हैं। बहुत लोगों को समझ नहीं आया कि भट्टा क्या होती है। यस नहीं समझ में आया ना बताता हूँ आपको। भट्टा क्या होता है कि बंदा बॉल लेके मम्मी कसम खाता है, करा मम्मी कसम, और ये और इसमें बैट्समैन के पास 28 टप्पे पहुंचती है। बैट्समैन भी कहता है कब आओगी तुम, जब तक उसके पास आती ना कहता बल्ले से क्यों लात से मारता हूं ये ले। और बताओ जितने भी लड़के बैठे हैं, हर एक लड़के के पास एक क्रिकेट की स्टोरी जरूर है बचपन की, राइट? एंड सबसे कॉमन स्टोरी है कि आप सांवले क्यों हैं। आप किसी पूछ लो कि आप सांवले क्यों हैं, क्योंकि हम धूप में क्रिकेट खेलते थे। मम्मी कहती थी कम कम बेटा, पर हम नहीं आते थे और इसीलिए हम सांवले रह गए। तो मेरा उन लड़कों से सिर्फ एक सवाल है कि अगर आप धूप में क्रिकेट खेल रहे थे तो आपका मुंह और हाथ ही काला होना चाहिए ना। आप ऐसे कौन से ग्राउंड में नंगे क्रिकेट खेल रहे थे जिससे आप सांवले रह गए। इस चक्कर में इंडिया में सारा समाज हमारा सांवला वाला घूम रहा है। I'm not kidding, होता था एक बार when I was working ना, तो एक बार क्या हुआ कि फ्राइडे को मतलब एक पार्टी होती है हमारे ऑफिस में, से पार्टी रखते हैं हम लोग। तो एक हमारे ऑफिस में पार्टी हो रही थी एक दिन, तो तीन लोग थे हम लोग, तो आई वॉज दी सोवर वन, और दोनों बोला हम दारू पियेंगे ढंग से, और उन्होंने ढंग से दारू पी। अब क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी लेने के लिए वापस पार्किंग लॉट में जा रहे थे, तो अब लड़कों क्या होता है कि लड़कों का बस वही वाली हरकत है क्योंकि ऑब्सेस्ड है क्रिकेट के। तो एक लड़के ने पार्किंग लॉट में जाते जाते ऐसा कर दिया, क्योंकि दूसरे ने अच्छी पी रखी थी, उसने आगे बढ़ के छक्का ही मार दिया। अब ये दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि तूने छक्का कैसे मारा, मैंने तो यॉर्कर डाली थी। एक तो बताऊं, पहली बात तो ये जो दो बंदे ये वो बंदे हैं जिंदगी में जो क्रिकेट के लिए मतलब पागल है। पागल मेरा एक दोस्त है जो 5 दिन का टेस्ट मैच में नहाया ही नहीं, उसको लगा उसके मैल से जीतेगी इंडिया। अरे इंडिया बहुत ऑब्सेस्ड लोग पागल है मैच के लिए, बता रहा हूं आपको, बस अलग लेवल पे पागल बना। ये दूसरा बंदा कहता मैं मैच देखता ही नहीं आजकल, जिस दिन देखता हूं उस दिन इंडिया हार जाती है। मैं कहा तू ही तो सचिन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, करा ये कौन देख रहा है मुझे, ओ मैं नहीं खेल पाऊंगा इसके सामने। इनकी पागलपना है यार, ये पागलपना। तो अब मुझे कह रहा है मुझे दो लोगों को बढ़ाने बड़ा मजा आता है। तो मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा यार मैं ना ये बॉल देख नहीं पाया आपकी, एक बार दोबारा डालो, क्योंकि दोनों अच्छी तरह दारू में धुतते। तो बोला यस करके दिखाएंगे। तो अब ग्राउंड में मैच चल रहा है पार्किंग लॉट में, ठीक है, पार्किंग लॉट पूरा सज गया, ठीक है। अब इंडिया में तो बॉलर कैसे दिखता है, इंडिया में बॉलर कभी आपने नोटिस किया बॉलर दिखता कैसे, हाँ ऐसे दिखता है बॉलर, ऐसे दिखता है। ये एक हमेशा ना एक काम करेगा, ये एक वो उतार लेगा हमेशा पहले, ये बॉडी मेरी है, मैं घर पे रख के आया हूँ आज, हाँ ऐसे शो। और फिर अपना वैक्सीनेशन का इंजेक्शन पूरे समाज को दिखाना है कि देखो मेरे इंजेक्शन लगा हुआ है। अब बैट्समैन भी अपनी तरह से तैयार हो रहा है, बैटमैन इज लाइक तो ये भी तैयार हो रहा है, और मैं अंपायर, मैं ऐसे मगर डालो। अब बॉलर का रिचुअल होता है ये आपको पता है, वो पहले बॉल पे थूक लगाएगा, फिर यहां रगड़ रगड़ के चिंगारी निकालेगा। तो बैट्समैन कह रहा यार पहले कर ले यार, ये पहले तो यही कर ले यार। आप कमाल की बात देख रहे हो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बैट और बॉल दोनों ही नहीं है,
पर चक्कर क्या है कि अब हमारी बॉडी में इतना क्रिकेट बस चुका है कि अब जरूरत भी नहीं है। तो मैंने ऐसा किया, तो कह रहा आर यू रेडी, मैं कह रेडी चलो। तो ये यहाँ से आया और इसने यहाँ से बॉल डाल दी और बैट्समैन ने फिर से छक्का मार दिया और बॉल देख रहा है ऐसे। तो मैं भी अंपायर था, मैं कहा मैं भी देखूं ये कहाँ जा रही है। अब पता है इंडिया में जैसे कोई बंदा छक्का मारता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज जाती है, देखा छक्का। तो उतने बॉलर आया करे हरामजादे, बॉल तो ये रही। इस मैच की मैं अंपायरिंग कर रहा था मैं, तो उतने में ना वो फाइनल लड़ने लगे दोबारा से, तूने चीटिंग करी चीटिंग करी। तो हमारे पार्किंग लॉट के बाहर ना एक पीसीआर वैन खड़ी थी, तो वहां से पुलिस वाले ने आवाज आई, अबे क्या कर रहे हो? ऑन विच माई फ्रेंड रिप्लाइड, दिख नहीं रहा आपको बैट बॉल खेल रहे हैं? मैं आपको मम्मी कसम खा के बता रहा हूं, उस पुलिस वाले ने 2 मिनट अपनी आंखें रगड़ी हैं ये देखने के लिए और बैट और बॉल है कहां। साथ वाले को बोला सतबीर तू देखिए, करा बाबूजी मैं चश्मा ना ला रहा आज। तो तेरे आवाज नहीं करा, दोनों चला जाओ जाओ जाओ। और तीसरा वाला सर ही तो अंपायर है। हम तीनों को बुला दिया उसने, अब क्योंकि दारू की बदबू आ रही थी मुंह से, तो कह रहा पीसीआर में बैठो, सीधा सीधा बैठो। तो अब हम तीनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि पीसीआर में विंडो सीट पे कौन बैठेगा। हम लोग वहां पे पुगम पुगाई कर रहे हैं, एक कह रहा पीठ पे 1 2 3 कर लेते हैं, एक कह रहा टिप टॉप करते भाई टिप टॉप। पुलिस वाले का दिमाग खराब हो गया, करा ये क्या पकड़ लिया मैंने आज। फिर तीनों को उतारा उसने गाड़ी से, करा उतरो तुम पहले उतरो। तो उसने तीनों के आईडी कार्ड देखे, करा अच्छी कंपनी में काम करते हो, छोड़ रहा हूं। और एक चीज याद रखना, कभी रात में क्रिकेट मत खेलना, किसी के बॉल लग भी सकती थी। एंड यू नो व्हाट इज क्रिकेट टू इंडिया, मैं तो क्रिकेट के बारे में ना ऐसा बताता हूँ। इंडिया में क्रिकेट क्या है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, 11 लोगों को बिलियनेयर बना दिया है। यस, और क्रिकेट के साथ ने कोई इंसाफ किया नहीं है। पता आपको, आपने कभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े हैं टॉप 10 हॉटेस्ट वाइफ्स ऑफ क्रिकेटर्स? यार वो बंदा तुम्हारे लिए नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा है, तुम उनकी यहां बीवी ताड़ रहे हो बैठ के। अब लॉजिक देखो, बंदे फील्डिंग कर रहे हैं, कह रहा भाई तेरी बीवी 9वें नंबर पे है,